दूसरी अफवाह जो आपके सामने आता है कि भाई पढ़ना बहुत पड़ता है, 12-15 घंटे पढ़ना पड़ता है। आपने लगातार यूट्यूब पर देखा होगा कि जो टॉपर्स का इंटरव्यू जो होता है उस पर टॉपर कहता है कि मैं 12 घंटे पढ़ता था, 15 घंटे पढ़ता था। एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको। जब मैं तैयारी कर रहा था, अपने IIT की तैयारी कर रहा था, तो उस समय भी आता था कि भाई टॉपर कोई बन गया, उसने बोला कि मैं 12 घंटे पढ़ता था, 15 घंटे पढ़ता था, 18 घंटे पढ़ता था। ठीक है, एक बार मुझे भी जोश आ गया, मैंने कहा कि मैं भी देखता हूँ कि यार 15 घंटे पढ़ के क्या होता है। मैंने सुबह 6 बजे से पढ़ना शुरू किया और किसी तरह से खींचते तांग करते हुए मैंने 12 घंटे की पढ़ाई कर ली। पूरा दिन लगाकर 24 घंटे के अंदर खींच तांग करके मैंने 12-13 घंटे की पढ़ाई कर ली। लेकिन इससे हुआ क्या, हुआ ये कि अगले 3 दिन में पढ़ नहीं पाया। उस दिन तो 12 घंटे पढ़ लिए लेकिन अगले 3 दिन में पढ़ नहीं पाया। तब मुझे एहसास हुआ कि 12-15 घंटे पढ़ना, रेगुलर पढ़ना इज नॉट पॉसिबल। हाँ 12-15 घंटे पढ़ते हैं लोग, लेकिन एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ते हैं। वो आप भी पढ़ ले जाओगे, जब आपका एग्जाम आपके सर के ऊपर होगा ना, तो आप फिर मेहनत करोगे अपने आप। जब 15 दिन रह जाएंगे, 20 दिन रह जाएंगे, आप जरूर पढ़ोगे। आप 10-12 घंटा पढ़ना अब पढ़ोगे आप। लेकिन कोई व्यक्ति ये बोले कि वो पिछले 5 साल से 12-15 घंटा पढ़ रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस अपने बॉडी को और दिमाग को दोगे तो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाओगे, दिमाग फ्यूज़ उड़ जाएगा। तो फ्यूज़ नहीं उड़ने देना है, फ्यूज़ नहीं उड़ने देना है, आपको एक कॉन्टिन्यूटी बनानी है। एक बात समझिए, PCS में समय लगेगा, ठीक है, तो आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो आप रोज फॉलो कर पाओ। लेट सपोज आपकी एज 30+ से ऊपर है, जॉब है, फैमिली है, ठीक है। अब ना आप जॉब छोड़ सकते हो, ना फैमिली में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, और आपको PCS बनना है। अब आप क्या लगता है कि 12-15 घंटे आप पहले दिन से पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको जॉब भी करनी है, फैमिली को ध्यान भी देना है। तब क्या किया जाए? तो आपको टाइम टेबल ऐसा स्टार्ट में, खासकर शुरुआत में बनाना है जो आप रोज फॉलो कर पाओ। पहले कोशिश करनी है कि क्वांटिटी मतलब बन सके। आप कोशिश करो कि आप 1 घंटे शुरू करो, सिर्फ 1 घंटे से। जितने लोग स्टूडेंट मुझे ज्वाइन करते हैं जिनकी 30 साल से ऊपर की एज होती है, सबको मैं एक ही बात बोलता हूं कि देखो पहला महीना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप PCS बनोगे या नहीं बनोगे, सिर्फ पहले महीने में आपका क्लियर हो जाएगा। अगर 1 महीना सर्वाइव कर लिया हमने, 1 महीना कर लिया, तो आप PCS बन जाओगे, कोई रोक नहीं पाएगा। और 80% स्टूडेंट, चाहे वो दिल्ली जाकर 4-4 लाख रुपए फूक के आते हों, या क्या कोई सा कुछ करते हों, 80% स्टूडेंट अपनी तैयारी के पहले 2-महीने में ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को कभी ट्रेन किया ही नहीं उन्होंने, कभी तैयार किया ही नहीं कि इतने देर तक बैठ सको। शुरुआत क्या करनी है? शुरुआत करनी है कॉन्टिन्यूटी से, रोज बैठने की। अरे कुर्सी में रोज बैठने की आदत तो हो जाए कम से कम, ठीक है। तो शुरुआत के 10-15 दिन आप सोचो कि 1.5-2 घंटा से स्टार्ट करो, करते 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 फिर धीरे धीरे उस 1.5-2 घंटे को 1 घंटे में कन्वर्ट करो, फिर 1 घंटे को 1.5 घंटे में कन्वर्ट करो, 1.5 से 2, और आप देखोगे कि अगले 2-3 महीने के अंदर 4-5 घंटे का आपका एक शेड्यूल बन जाएगा। और मुझे लगता है कि 4-5 घंटा, अगर कोई स्टूडेंट 4-5 घंटा पढ़ रहा है अगले 1-1.5 साल, यकीन मानिए कि बहुत अच्छा पढ़ रहा है और उसके PCS बन जाने की बहुत 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 संभावना है। तो 12-15 घंटे आप ही पढ़ सकते हो, हो सकता है एग्जाम से हफ्ता भर पहले पढ़ लो, 2 हफ्ता पहले पढ़ लो। लेकिन कोई व्यक्ति ये कहे कि उसने थ्रू आउट 12-15 घंटे पढ़ा है तो झूठ बोल रहा है। ऐसी अफवाहों पर आपको ध्यान नहीं देना है।